युवराज सिद्धार्थ, यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धान और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर ये परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का दिन, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते हैं? निस्संदेह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि है, मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे, ये आपके पैरों को क्या हुआ अभय? प्रातः काल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए विप्र। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज, कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता हो, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी? ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है, आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है विप्र। युवराज, क्षमा विप्र, आप गुरु हैं, ज्ञानी, मुझे उद्दंड ना समझे, पर जब कर्म ही सब कुछ है तो वर्णों को इतना महत्व क्यों कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध? चन्ना जी, युवराज, इन सभी को रथ में रखो, इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ यशोधरा। आचार्य, युवराज सिद्धार्थ की जय। 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूं आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा लेने आया हूं मैं। हटो, हटो। पीड़ा? हमारी पीड़ा? आप हमारी पीड़ा क्या समझोगे युवराज? कभी भूखे पेट सोए हैं? कभी कड़कड़ाती ठंड में बिना वस्त्र के इस धरा पर रातें बिताई हैं? क्या आप स्वयं कभी अपने ही घर में भीगे हो? नहीं ना?
तो आप हमारी पीड़ा क्या जानेंगे युवराज? हमें आपका ये दान नहीं चाहिए। हम शाक्य हैं। हमारी भुजाओं में इतना बल, इतनी शक्ति है कि हम अपने परिश्रम की रोटी खा सकते हैं। और यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं, तो अपने राज्य के अधिकारियों को अत्याचार से रोको। हाँ युवराज, ये सही कह रहा है। अतिरिक्त कर के नाम पर रोटी तो ठीक, पर बचा कुछ सामान भी ले जाते। आपका दिया तो मिलने से रहा, जो है उसे भी छीन लेते हैं। कल मेरे घर से वो बर्तन कंबल तक ले गए, और आज आज मेरी माँ ठंड से मर गई। इतनी क्रूरता कौन है अधिकारी? युवराज आप? प्रणाम। याचना सुनकर आए। प्रजा कहती है कि राज के अमलदार होकर भी तुम उन पर अत्याचार करते थे। कदापि नहीं युवराज। इतना धन कैसे, जबकि तुम तो किसान भी नहीं। गरीबों से छीना हुआ अनाज है युवराज। इतना लो। आधा धन धन राजकोष में जाता है युवराज। किसके राजकोष में? राजा वीर बाहू, उनका आदेश। मैं तो बस पालन करता हूँ। वीर बाहू का आदेश सुनते हो और इन गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? इसका दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। आगे से ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। क्षमा करें युवराज। युवराज, इनके पापों का दंड तो ईश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है। हमारी पुत्री को विकलांग बना के तुम्हारी पुत्री की व्यवस्था ने आज तुम्हें दंडित होने से बचा लिया। अब जिन हाथों से तुमने ये छीना है, उन्हीं हाथों से गांव वालों में इस अनाज को बांट दो। अवश्य युवराज, अवश्य। और आज इस गांव के प्रत्येक बालक को तुम स्वयं अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाओगे। दुख का साम्राज्य देखा चले। आज तक मैं सोचता था कि धन सुख देता है, दुख को दूर करता है, पर ये गरीब जिनके पास ना धन है ना धान, वो भी दुखी। और ये अधिकारी जिसके पास धन भी है और धान, ये भी दुखी। अर्थात धन भी दुख को दूर नहीं करता। कभी कभी बड़ा था अवश्य। कहो बांधुर, क्या है तुम्हारी उपस्थिति का कारण? महाराज, शाह के राजा शुद्धोधन का राजदूत आया है। कह दो उससे कि महाराज मंत्रणा में नहीं मिल सकते। जी महाराज, परंतु वो आपके नाम महाराज शुद्धोधन का यह संदेश भी लाया है। क्या लिखा है? कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत, युद्ध में आपकी पराजय के बाद हमारे और आपके बीच जो संधि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप आपने समग्र युद्ध खर्च देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। युद्ध में हुआ सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी, हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूं महाराज शुद्धोधन।
जो शाक्य गणराज्य को शीघ्र ही अपेक्षित है। प्रतिउत्तर की अपेक्षा में मोहर शाक्य गणराज्य शिरोमणि राजा शुद्ध होता है। उन्हें प्रतिउत्तर भेज दो बांदुल। इस समय सारा कौशल महाराज महाकौशल की मृत्यु शोक में डूबा है। इस समय हम संधि का उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ है, युद्ध खर्च नहीं दे सकते। जी मां, पर शीघ्र ही हम संधि के वचनों को पूरा करने का यथार्थ प्रयत्न अवश्य करेंगे। एक और युद्ध भेंट करेंगे। रथ रोको चन्ना, वो वहां कौन है? वो सन्यासी है युवराज। सन्यासी? आज पहली बार देखा उसे। हाँ युवराज, भ्रमण करते हुए कभी कभी आ जाते। फिर तो उन्हें भी अन्न की आवश्यकता होगी। प्रणाम। मैं शाक्य युवराज सिद्धार्थ हूं, आपको अन्न देने आया हूं। क्या कहकर पुकारूं आपको? कुछ भी कह ले, साधु संत योगी तपस्वी, कुछ भी कह के पुकार सकता है। क्या मैं आपसे ये पूछने की दुष्टता कर सकता हूं कि आप रहते कहां हैं? ये सारा संसार ही है घर मेरा। और काम? काम? काम तो संसारी करते हैं, सन्यासी नहीं। और अन्न प्रबंध वो कैसे होता है? भूख जितनी भिक्षा मिल ही जाती है। भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती? अहम, लज्जा को कुचल करके ही मनुष्य सन्यासी बनता है। और यदि किसी दिन कोई भिक्षा ना दे तो कोई शोक नहीं। ये प्रकृति इनकार नहीं करती, हवा कभी नहीं रुकती, जल तो मिल ही जाता है, वृक्ष फल देने से कभी भी मना नहीं करती। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते? मन को जीतने का श्रम करता हूं। ये कैसा कार्य? ये मन ही तो है, जो वासना मोह क्रोध में फंस जाता है। आप यहां से किस मार्ग जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। राजन, ये धान तुम ले जाओ, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने मार्ग चलो, मैं चला अपने मार्ग। मैंने धनी देखे, दरिद्र देखे, सत्ता में अंध क्षत्रिय देखे, ज्ञानी ब्राह्मण देखे, पर ये कैसा जीवन जो कुछ ना होते हुए भी इतना सुखी। क्या हुआ मंगला दीदी? बात क्या है मंगला? खुशी का संदेश है, खुशी का, और ऐसी खुशी जिसके बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकता। पर ये तो बताओ मंगला काकी, संदेश क्या है? अरे ये शोर कैसा, क्या हुआ क्या? ये शोर मेरे सौभाग्य का है, पिठोरा से मेरे भाई तपोधन ने संदेश भेजा है। लीजिए लीजिए, पढ़ लीजिए लीजिए। किंतु संदेश क्या है मंगला दीदी?
उसने लिखा है, आदरणीय मंगला देवी, पिठोरा से तपोदन का प्रणाम। निवेदन केवल इतना है कि क्यों ना कपिल वस्तु और पिठोरा के बीच जो संबंध है उसे और घनिष्ठ कर दिया जाए। हमारी पुत्री रोहिणी के संग आपके पुत्र देवदत्त का विवाह कर दिया जाए। यदि आपकी और राजा द्रोणोदन की इस संबंध से सम्मति हो तो हम मिलकर इस बात को मार्ग दे सकते हैं और विधिवत आपके और हमारे आदरणीय महाराज शुद्धोदन से हम इस विवाह प्रस्ताव की बात करें। अरे ये तो अति आनंद का समाचार है काकी माँ। मैंने पिठोरा की राजकुमारी को देखा है, वो बहुत सुंदर है। जेष्ठ की और उनकी जोड़ी खूब जचेगी। हमने तो कुलगुरु से उन दोनों की कुंडली भी मिलवा ली है। और पता है कुलगुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस विवाह से देवदत्त का भाग्य उदय होगा। तुम केवल हाँ कह दो मंगला, चाक्य संघ की बैठक में मैं अवश्य बात करूँगा। तो परिवार में अब दो दो शुभ प्रसंग एक साथ होंगे, यशोधरा की गोद भराई और देवदत्त का ब्याह। बधाई हो मंगला दीदी, बधाई हो। अरे मंगला, हाँ लीजिए भाई महाराज, मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो अनुज, आप भी और तुम भी। ये संदेश सचमुच मेरे लिए भी शुभ संदेश है। अब तो मुझे भी एक सखी मिल जाएगी। सत्य कहा, महल में चहल पहल होगी। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। और हाँ, जब मुंह दिखाई की बात हो तो अमिता दीदी को भी आमंत्रित करेंगे। अरे मंगला भाभी, आपने तो हम सभी का मुंह मीठा करा दिया, पर जिसके कारण ये हो रहा है उसे तो आप भूल ही गई। कुमार देवदत्त को भी तो खिलाइए। इसे तो स्वयं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बधाई हो देव, लो मुंह मीठा करो। हाँ लो। रहने दो माँ, मुझे नहीं चाहिए। इसमें क्या लजाना ज्येष्ठ, ऐसे अफसर बार बार नहीं आते। लो खा लो। इस तरह मत खिलाओ माँ, कहा ना मुझे नहीं खाना कोई लड्डू वड्डू। खा लो देव। माँ देवदत्त। कुमार ये क्या किया? देव, देव, देवदत्त, समझ से क्या हो तुम स्वयं को? इस तरह सबके सामने मेरा हाथ छटक कर चले आए। आज तक मेरे साथ ऐसा बर्ताव किसी ने भी नहीं किया और तुम मेरे ही पुत्र होकर। मैं ये विवाह नहीं करना चाहता माँ। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते बताओ मुझे। पिठोरा का राज बड़ा है, शाक्यों में उनका मान है, और फिर राजकुमारी रोहिणी इकलौती भी है और सुंदर भी, फिर ये विरोध क्यों? देव, बात क्या है? क्या तुम्हें कोई और कन्या पसंद है? आप समझती क्यों नहीं है माँ? क्या नहीं समझती पुत्र? कि मैं ये विवाह नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? इतना अच्छा संबंध है तो मना क्यों कर रहे हो? मैं पूछता हूं, विरोध का कोई तो कारण होगा? है, है। तो बताते क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि मैं आज भी यशोधरा से प्रेम करता हूं। मैं यशोधरा से प्रेम करता हूं। मती भ्रष्ट हो गई है तेरी, तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? वो तेरे अनुज सिद्धार्थ की अर्धांगिनी है, माँ बनने वाली है वो। तो क्या बाबा, मैं उसे चाहता हूँ, और तू देखना माँ, एक न एक दिन मैं उसे पाकर ही रहूंगा माँ। लज्जा नहीं आई तुझे ऐसी ओछी बात करते हुए? एक एक निवाला
चांदी के थाली से तुझे खिलाया, उस झूठन पर तेरी दृष्टि कैसे गई देव? देखो पुत्र, तुम्हारी दृष्टि केवल सिंहासन पे होनी चाहिए, सिद्धार्थ की अर्धांगिनी पर नहीं। और जो संबंध हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना? मेरी दृष्टि को इस प्रकार देखना आपने सिखाया है, आप दोनों ने। जो सिद्धार्थ का है वो तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये सीख आप ही की थी राज। और जब मैं यशोधरा के सिवा किसी और के बारे में विचार भी नहीं कर सकता तो आप मुझे रोक रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई सिंहासन, मुझे केवल यशोधरा चाहिए, केवल यशोधरा, यशोधरा। देवदत्त, देवदत्त, इसका विवाह शीघ्र करवाना होगा मंगला, अन्यथा किसी दिन इस महल में अनर्थ हो जाएगा। तुम राजा तपोधन को संदेश भेज ही दो। मैं जीत गई। यशो, मामा, यशो क्या हुआ? यशो, 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 नटखट। बताओ तो आर्य, हमारी संतान कैसी होगी? कैसी होगी? अर्थात देव या देवी? मैं चाहता हूं गुप, वो मनुष्य ही हो। आप यहां से किस मार्ग जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। दीदी, मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं है? खुशी के मार्ग में कठिनाई कैसी? आने वाले बच्चे की कल्पना करते करते मार्ग कब कट गया पता ही नहीं चला। सच, अब कुछ दिनों में ही मुझे रानी दादी और आपको रानी नानी कहने वाला आने वाला है। देखो तो, पहले विवाह की बात सुनकर कितना लज जाती थी और अब विवाह हुआ नहीं की सृजन सृष्टि का कार्य प्रारंभ। चुप कर रीनू, नहीं तो अभी यही डांट दूंगी। आइए। अरे मंगला, चलो ना, यहीं खड़े रहकर द्रोणोदन भैया की प्रतीक्षा करनी है? नहीं, आपके भैया की नहीं, अपने भैया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो आ रहे हैं ना देवदत्त के विवाह की बात करने। देवदत्त का विवाह? हाँ मिता दीदी, तुम्हें इतना शीघ्र बुलाने का कारण केवल यशोधरा की गोद भराई ही नहीं बल्कि देवदत्त के विवाह की बात भी है। बधाई हो मंगला दीदी। वैसे कन्या है कौन? पिठोरा के राजा तपोधन, उन्हीं की सुपुत्री
राजकुमारी रोहिणी। सुना है बहुत सुंदर है वो। तो हमारा देवदत्त कौन सा कम है? किंतु दीदी, तुम्हारे भैया तो संग समाप्ति के बाद ही आएंगे, उसमें तो बहुत समय है अभी। मुझसे भीतर रहा नहीं जाएगा, महादेवी मुझे यही प्रतीक्षा करने दो। आप लोग चलिए ना, उनके आते ही मैं भीतर। अच्छा ठीक, तुम यही प्रतीक्षा करो, उनके आते ही हमें सूचित कर देना, हम सभी उनके स्वागत में उपस्थित हो जाएंगे। चलो रानी नानी माँ। सुस्वागतम। कपिलवस्तु में आपका स्वागत है। पधारिए। राजा द्रोणोदन, आपको हमारी ओर से कुमार देवदत्त के विवाह का प्रस्ताव तो अवश्य मिला होगा। हाँ राजा तपोधन, दोनों की कुंडलियां भी मिलती है। अब बस परंपरा के अनुसार आपकी और हमारे भाई महाराज के बीच औपचारिक बात हो जाए, बस इतना ही विलंब है। तो फिर सभा के उपरांत विधिवत हम महाराज शुद्धोदन से इस संबंध की चर्चा करेंगे। अवश्य आपका स्वागत होगा। चलिए पहले ये सभा तो समाप्त हो जाए, आइए। महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। पिछली सभा में लिए निर्णय के अनुसार हमने कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत को युद्ध के खर्च देने की बात याद दिलाने के लिए दूत भेजा था, पर महाराज प्रसन्नजीत युद्ध खर्च देने से मना कर दिया। अर्थात उन्होंने संधि का उल्लंघन किया है, अपनी अधम राजनीति का परिचय दिया है। अर्थात अब हमें महाराज महाकौशल से बात करनी होगी और हमें ये अशुभ समाचार भी मिला है कि महाराज महाकौशल का देहांत हो गया है। अर्थात प्रसन्नजीत को रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। अब हम प्रसन्नजीत की मित्रता पर विश्वास नहीं कर सकते महाराज। हमने तो आपको युद्ध भूमि में ही कहा था महाराज कि युद्ध खर्च ले लो या उसे बंदी बना लो, आप नहीं माने। आप पर विश्वास करके हमने आपके पक्ष में युद्ध किया, मतदान भी किया, किंतु आपकी मनमानी के कारण आज सभी शाक्य राजाओं के राजकोष समाप्त हो चुके हैं। अब आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? इतना ही नहीं, आपके युवराज सिद्धार्थ हमारे राज्य में आकर हमें अपनी ही प्रजा से कर लेने से रोक रहे हैं। क्यों ना रोकूं? आप राजा हैं और अपनी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा से कर लेना राजा का अधिकार होता है, अत्याचार नहीं। और युद्ध के बाद अतिरिक्त कर लेना अधिकार नहीं, दुराचार है। चलिए मान लेते हैं कि हम प्रजा के साथ दुराचार कर रहे हैं, लेकिन इस दुराचार का कारण कौन? इसका कारण आप हैं युवराज। आप राजा तपोधन, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन राजा दंडपानी ने पहले ही कहा कि हमें कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लेना चाहिए, तो आप उससे सहमत नहीं थे। आपकी गलत राजनीति का बोझ आज पूरे शाक्य गणराज पर भारी पड़ रहा है महाराज। कल यदि प्रसन्नजीत पुनः आक्रमण करेगा तो अनाज कहां से लाएंगे? बिना धन के धातु कहां से खरीदेंगे और शस्त्र कैसे बनाएंगे? बताइए कैसे बनाएंगे हम? तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपनी ही प्रजा पर कोड़े बरसाएंगे, उन्हीं का घर लूटेंगे? क्या सत्य है? मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह आपके सैनिक एक वैश्य व्यापारी पर बीच चौराहे कोड़े बरसा रहे थे। और आपके अधिकारी? यह आपत्ति काल है युवराज, यदि हमने इस समय दूसरे युद्ध की तैयारी नहीं की तो हम सभी दास बन जाएंगे। और दासत्व का अनुभव तो आपके राज्य में आपकी प्रजा कर ही रही है। मर्यादा में रहिए युवराज, आप ये भूल रहे हैं कि वो मेरा राज्य है, मेरा। और आप भी ये भूल रहे हैं कि आपका राज्य शाक्य गणतंत्र का एक हिस्सा है। तो क्या आप मनमानी करोगे? मनमानी तो आपने की थी युवराज, जो उस प्रसन्नजीत के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। सत्य ही कहा था किसी ने, आप एक क्षत्रिय की तरह नहीं, एक सन्यासी की तरह सोचते हैं युवराज। राजा तपोधन ये ना भूले कि आप भावी शाक्य सम्राट से बात कर रहे हैं।
आपके हम पर थोपे हुए इसी सम्राट की शांति वार्ता के कारण हम जीता हुआ युद्ध हार गए महाराज। ये बात केवल मैं ही नहीं सभी भली भांति जानते। राजा तपोधन, मैं राजा तपोधन इस साक्ष्य सभा में युवराज सिद्धार्थ को सावधान करता हूं कि वो मेरे राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न करें, मेरे कार्यभार के बीच न आए, अन्यथा इसी घड़ी यहां से प्रस्थान करे राजा तपोधन। यदि एक पल भी यहां रुके तो मैं भूल जाऊंगा कि ये संघ सभा है। मैं अपने इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा महाराज। तो एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आप दोनों चक्र गणराज के अपराधी हैं। और आपको इस अपराध के लिए दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अरे ये प्रजा का दरबार नहीं, शाक्य की सभा है। यहाँ सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। महाराज, राजा तपोधन के विवाद के शब्द अनुचित थे पर अर्थ उचित था। अब आप ही को कोई ना कोई उपाय सुझाना होगा महाराज, अन्यथा संघ राज के नियम अनुसार आपकी जगह उसे लेनी होगी तो इस आपातकाल से मार्ग निकाले। शाक्य सभा यदि अनुमति दे तो एक सुझाव है मेरे पास महाराज। कहो युवराज। क्यों ना हम शाक्य रोहिणी नदी पर एक ऐसा सेतु बनाए जहां से हम पश्चिम भारतवर्ष से व्यापार कर सकते हैं। परंतु इससे क्या लाभ होगा? कौशल के रास्ते जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस मार्ग का प्रयोग हम मगध को भी करने देंगे। मगध को? जी, ये मार्ग कई योजन छूटा होगा और इस मार्ग से उनके कई दिन बचेंगे, उन्हें समय का लाभ होगा और हमें आर्थिक। वो कैसे? हमारे इस मार्ग का उपयोग करने के प्रतिफल में हम मगध से चुंगी लेंगे जिससे हमारे राजकोष को आर्थिक लाभ होगा और इस व्यवस्था से एक और अप्रत्यक्ष लाभ होगा महाराज। कैसा लाभ? प्रसन्नजीत के संभावित आक्रमण से हमें मुक्ति मिलेगी और मगध नरेश, राजा बिंबिसार हमारे साथ होंगे जो कि प्रसन्नजीत के बहनोई, तो प्रसन्नजीत उनके विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। महाराज, युवराज का सुझाव अति प्रशंसनीय है। महाराज, युवराज का यह प्रस्ताव हम सबको मान्य है। हाँ। परंतु प्रश्न ये है, इस नए मार्ग का प्रस्ताव लेकर मगध नरेश बिंबिसार से मंत्रणा करने जाएगा कौन? क्योंकि जो भी जाएगा प्रसन्नजीत उसे रोकने का प्रयत्न अवश्य करेगा। पर प्रसन्नजीत को कैसे पता चलेगा कि हमारी मंत्रणा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सुना है कि प्रसन्नजीत के गुप्तचर हमारे राज्य में हैं। तो फिर मगध नरेश महाराज बिंबिसार से मिलने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मेरे कारण ही आप सब इस संकट में फंसे, अब मैं ही आप सबको इस परिस्थिति से पार उतारूंगा और वो भी बिना युद्ध के। ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है, इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। ये द्वार पर क्यों खड़ी हो मंगला? खुशी का स्वागत करने। आप तो जानते हैं देवदत्त के विवाह की बात करने के लिए तपोधन भैया आ रहे हैं। भीतर चलो मंगला। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं तपोधन भैया के आते ही। कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगी?
क्या बात है आर्य, बताइए ना। उन्होंने ये संदेश भेजा तुम्हारे लिए। मंगलादेवी, इच्छा तो बहुत थी कि मेरी पुत्री राजकुमारी रोहिणी का विवाह देवदत्त के साथ और हम कपिल वस्तु के समथी थे, किंतु अब ये असंभव है। भरी सभा में तलवार दिखाकर आपके भाई महाराज ने हमें बहुत अपमानित किया है। रिश्ते की बात कर अब हम और अपमानित नहीं होना चाहते, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। आपका भाई तपोदर। मंगला, मंगला, बहुत सुंदर है। देखो मंगला दीदी भी आ गई। देखो मंगला दीदी, अमिता दीदी तुम्हारे लिए हीरो का हाल लाई। क्या हुआ मंगला दीदी, तुम्हारे भैया आ गए? नहीं आए। क्यों? ये प्रश्न आप मुझसे नहीं, स्वयं अपने भाई से पूछिए। क्या हुआ देव? देव, संघ सभा में क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो अनुज के सामने हुआ और वो भली बात ही जानता है। किंतु ऐसा हुआ क्या? ये हुआ महादेवी, ये हुआ। आज संघ सभा में सिद्धार्थ ने सबके सामने मेरे भाई तपोदन से अभद्र व्यवहार किया और महाराज ने तलवार की नोक पे मेरे भाई तपोदन को संघ सभा से निकल जाने का आदेश दिया। और फिर मेरे भाई ने रोहिणी का संबंध देवदत्त के संग करने से इनकार कर दिया। मंगला, वो राजनीतिक विवाद था। खूब जान गई हूँ मैं आपकी नीति को, खूब जान गई हूँ। मंगला दीदी, हम देवदत्त के लिए रोहिणी से भी अच्छी कन्या ढूंढेंगे। रहने दीजिए महादेवी, जो थी उसे तो छीन लिया और जो आना चाहती थी उसे रोक दिया। उन्होंने बात ही ऐसी की, मतभेद को मनभेद में बदल दिया। अरे मत तो आपने बदला महाराज, आपने भेद तो आपने किया है देवदत्त और सिद्धार्थ में। अपने आवेश को रोको मंगला। विवाह के समय आपने वचन दिया था कि सिद्धार्थ के राज्य अभिषेक के समय देवदत्त को भी राज्य का हिस्सा मिलेगा, पर अब मुझे आप पर संदेह हो रहा है महाराज। वैसे इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि शाक्यों का तो राज चिन्ह ही रावत है, जिसके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग। शांत हो जाओ मंगला। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। जब चिल्लाने की आवश्यकता थी तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, सबके सामने दिखावा क्यों? जा रही हूँ। कि वो मेरे राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न करे, मेरे कार्यभार के बीच न आए। इतने विचलित क्यों आ रहे? प्रश्न तो ये है कुपा, जब संपूर्ण सृष्टि घूम रही मनुष्य स्थिर कैसे रहे? ये निराशा के उद्गार क्यों? जहां दृष्टि पड़ती संघर्ष दिखाई देता है,
शांत के संग में विचारों का संघर्ष, महल में अपनों से संघर्ष। मंगला काकी भी अप्रसन्न है, वो भी यही समझती है कि मैंने विचार पूर्व राजा तपोधन का मान भंग किया, जिससे ज्येष्ठ का विवाह ना, और स्वयं मन से संघर्ष। मंगला काकी ने, उनका क्रोध तो बुलबुला है, यूं आया और यूं गया। हाँ गो, परंतु मैं अपनों में मनभेद नहीं चाहता। नहीं होगा, मैं वचन देती हूँ, मंगला काकी को मैं मना लूंगी। अब हंसो। ऐसे नहीं, जोर से। क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं, ये कह रहा है हंसो मत, मैं विश्राम कर रहा हूं माँ। बस इसी तरह हंसते रहो सिद्धार्थ, जिससे तुम्हारी हंसी सारे संसार में इतनी गूंजे कि दूर दूर तक दुख की आवाज सुनाई न दे। सत्य कथा।